अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर शहना। आज की वीडियो है मेरी मैनीक्योर के बारे में। जिस तरीके से हम अपने चेहरे का ख्याल करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने हाथों पैरों का भी ख्याल करना चाहिए। तो मैनीक्योर में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हम घर पर किस तरीके से सैलून स्टाइल में मैनीक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले हाथ पर कोई कट, बर्न, कोई फंगस देख लें, कोई ना हो। प्रोडक्ट मैंने जो है डर्माकोस का जो यूज़ किया है, डर्माक्योर के नाम से मैनीक्योर पेडीक्योर का इनका प्रोडक्ट आता है। उसके बाद आपको जो जो चीज़ें इसमें चाहिए होती हैं, ये मैं अभी आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके अलावा ये जब हम बाद में प्रोसीजर करेंगे तो उसमें आपको हर चीज़ का इस्तेमाल बताते जाएंगे। मैनीक्योर करते वक्त सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जो भी ज्वेलरी वगैरह हाथ में पहनी हुई है तो आप उसको उतार दें। अपने हाथ पे अगर आपके कोई चीज़ पहनी हुई है तो वो करने वाले को भी उतार देना चाहिए, जिसके करना है उसका भी उतार देना चाहिए। उसके बाद अगर कोई नेल पेंट पहले से लगा हुआ है तो स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने नेल पेंट जो है ना वो है नेल पॉलिश रिमूवर से आपने उसको क्लियर कर देना है। अगर नहीं लगा हुआ है कोई नेल पेंट पहले से तो आप इस स्टेप को स्किप कर दीजिएगा। नेल पेंट जो है जब अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपने जो है नेल कट करना है। क्लिप एंड फाइल नेल्स, मतलब क्लिप से मतलब भी होता है कि नेल कट करना है। नेल कटर से आपने अच्छे तरीके से नेल कट करना है। इनके तो नेल कुछ ज़्यादा ही प्रॉपर बहुत ज़्यादा कटे हुए थे, तो बस साइड्स वगैरह को क्लियर किया था। और बाकी अगर किसी को शेप करवाना हो तो जो शेप जिसको पसंद हो आप वो करें, और उसके बाद नेल फाइलिंग कर दें। नेल को फाइल करना ज़रूरी है, वरना खुरदरापन और जो साइड पे नेल जो है कट करते हुए नेल कटर से शार्पनेस आती है उसको जो है ना क्लियर करना ज़रूरी होता है, ताकि नेल्स जो है चुभे ना और आपको इरिटेटिंग ना लगे। तो वो जब तक स्मूथ नहीं होते तो आप अपने स्टेप्स को आगे नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद आपने क्या करना है, हाथों को एक बाउल में आपने ये सोक है, लिक्विड सोक आता है इसका, स्टेप नंबर 1 है ये, आप ये डालें। नहीं तो आपके पास कोई हैंड वॉश है, कोई फेस वॉश है, आप वो भी गर्म पानी में डाल सकते हैं। पानी बस इतना गर्म होना चाहिए जो हाथों को थोड़ा महसूस हो, इतना नहीं हो कि पता भी ना चले, बिल्कुल हल्का सा गर्म नहीं हो, थोड़ा सा महसूस हो हाथ को कि गर्म है। उसके बाद आपने जब थोड़ा सा आपके फिंगर्स थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे तो ये नेल ब्रश होता है, नेल ब्रश से आपने क्या करना है, इसको नेल्स को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। क्योंकि 50% जो होता है हमारे हाथ में जो गंदगी होती है नेल्स, और नेल्स के अराउंड में जो स्किन होती है ना डेड स्किन, उसमें होती है। तो हमें उसको सॉफ्ट करना और उसको साफ़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस ब्रश से आप अच्छे तरीके से नेल को साफ़ करेंगे तो आपका समझ लें मैनीक्योर आधा यहीं पर हो जाता है। उसके बाद है स्टेप नंबर 6, आपने क्या करना है, लोशन लेके मसाज करना है, हाथ को मॉइस्चराइज करना है, मसाज करना है। मसाज के जो स्टेप्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने थोड़ा सा स्पीड नहीं किया है, फास्ट में नहीं दिखाया है मैंने आपको, ताकि आप स्टेप्स को अच्छे तरीके से समझ लें। हाथ के स्टेप 2 हाथ होते हैं, तो अब 2 हाथों को आपने इस तरीके से लेके चलना है कि 5 से 6 मिनट के अंदर आपका एक हाथ हो जाए। स्टेप्स मैंने क्योंकि इसमें आपको समझाने के लिए सिखाने के लिए किया है, तो ये स्टेप्स जो हैं आप इनको एक एक दफ़ा दो दो दफ़ा करके दिखाया है, लेकिन आप जो है इसको ज़रा ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमारे हाथ में सबसे ज़्यादा हमारे फिंगर्स, हमारी कलाई जो होती है यहाँ पे प्रेशर होता है, तो आपने इस तरीके से आपने कलाई पर सारे प्रेशर को जमा करना है। उसके बाद आप इनको फिंगर्स तक लेके चले जाएं। मोमेंट आप देख लें सर्कुलर मोमेंट में किस तरीके से हाथों को पकड़ना है, किस तरीके से आपने होल्ड करना है नीचे ऊपर, आप ये देखें प्रेशर को किस तरीके से प्रेस करना है आपने, वो भी आप होर से देखिएगा। इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहले आपने कलाई पर सारा प्रेशर जमा किया, अब कलाई से आप क्या कर रहे हैं, अपने जॉइंट्स को जो फिंगर के जो फर्स्ट जॉइंट है वहाँ पर आपने सारे प्रेशर को जो है ना जो है जमा करेंगे। उसके बाद वहाँ से आप इसको नीचे रिलीज कर देंगे। इससे क्या होगा, आपको हाथ का मसाज अच्छा होगा, तो आपको पूरा मैनीक्योर बहुत ही अच्छा लगेगा, हाथ को रिलैक्सिंग फील होगा। फिंगर्स के बीच में अक्सर देखा है कि आजकल कुछ पेशेंट होते हैं शुगर के, उनके भी ज़ख्म हो जाते हैं ड्राइनेस के, सर्दी के मौसम में ड्राइनेस से भी बहुत ज़्यादा, 2 फिंगर्स के बीच में जो गैप होता है वहाँ पर जो है खुश्की और ड्राइनेस हो जाती है। तो आपने इसका बहुत अच्छे तरीके से मसाज करना है। ये वो स्टेप्स हैं जो हम सैलून पर तो करते हैं, लेकिन अगर आप घर पर भी जब क्लींजर लें तो ये सारे स्टेप्स जो है ना इनको थोड़ा बहुत अपने हाथों पर दोहरा लिया करें। इससे क्या होता है कि आपको हाथ की केयर जो होती है ना डेली बेसिस पर हो जाती है थोड़ी सी। स्किन की जो है बहुत सारी ख्वातीन जो होती हैं क्लींजिंग तो डेली बेसिस पर करती हैं, लेकिन अपने हाथों को उस तरीके से मसाज नहीं करती। तो इनमें से जो स्टेप आपको ईजी लगे, जो अच्छे लगे, जो आपको लगता है आप लोग रोज़ कर सकते हैं, वो उसको जो है ना अपने रूटीन में रखिएगा। कोहनी का कलर जो होता है थोड़ा सा, एल्बो जो होता है आपने देखा होगा थोड़ा सा डार्क हो जाता है, यहाँ पे स्किन सारी जो होती है श्रिंक हुई भी होती है,
तो इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। अच्छा, मैनीक्योर पेडीक्योर में मैंने ब्लीच नहीं दिखाया था। अमूमन ये होता है कि हम अपने क्लाइंट्स को पहले जो है ना ब्लीच भी देते हैं, हैंड और लेग्स फुट जो होते हैं इनको ब्लीच देते हैं, जिससे ये होता है कि हाथ और ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। अच्छा, ये मसाज जो है ना, पहले तो आपने ऊपर वाले साइड पर किया, अब ये हम अंदर वाले साइड पर कर रहे हैं। अब ये हाथ को ऐसे लगता है ना जैसे पंजा लड़ाना होता है ना, उस तरीके से आपने बिल्कुल पंजों को अपने दोनों हाथों को करने वाले के और जिसके किया जा रहा है उसके लेकर कलाई से पकड़ के आपने कलाई के पास से इसको एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको 5-5 दफ़ा मूव करना है और उसको फिर फिंगर्स को खींच के जो है ना आगे की तरफ रिलीज़ कर देना है। इससे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है ये स्टेप, जब कभी करेंगे ना आप तो आपको फील होगा बहुत रिलैक्स होता है इससे। हर स्टेप को 3 से 4 दफ़ा करें, उसके बाद आपने ये कलाई से ही पकड़ के अपने हाथ के जो सेंटर जो पाम होता है, जो हमारी हथेली होती है, इसको जो है ना प्रेस करना है, एक मुट्ठी से बना लेनी है और मुट्ठी से बना के आपने क्लॉकवाइज आपने इसको जो है 3 से 4 दफ़ा उसको प्रेस करना है और ट्विस्ट करना है। अब हर फिंगर को आपने क्या करना है, क्लॉकवाइज और फिर 3 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको मूव करना है, हर फिंगर को अलग अलग। क्लॉकवाइज करने के बाद जब हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं ना, उससे प्रेशर रिलीज करते हैं हम। अगर हम सिर्फ एक तरफ करके छोड़ देंगे तो वो प्रेशर जो है ना रिलीज नहीं होता हाथ से। उसके बाद हम आगे फिंगर्स से, अब हम आगे नेल्स पर, बिल्कुल नेल्स पर भी ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है, उस पर भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है ना, फिर इसमें सर्कुलर मोमेंट में हमने इस पर भी जो है मसाज करना है। इस तरीके से ये होता है कि तकरीबन हमारा हाथ जो है एल्बो से लेकर फिंगर्स तक जो है ना बिल्कुल इसका प्रॉपर मसाज हो जाता है। इन तमाम स्टेप्स को 3 से 4 दफ़ा, 5 से 6 दफ़ा आप कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप आ गया स्क्रब। हाथ की जो स्किन होती है, जो फिंगर्स होते हैं अराउंड नेल्स, हमारे जो डेड स्किन होती है उसके लिए ये होता है कि स्क्रब जो है ना बहुत ज़रूरी है। इसमें स्क्रब में आपने वही सारे स्टेप जो हमने अभी क्लिनजिंग और मसाज में किया था, वही सारे स्टेप जो हैं हमारे स्क्रब में भी होंगे, लेकिन स्क्रब में बहुत ज़्यादा देर तक आपको स्क्रब करने की और मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 हाथ होते हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया तो फिर ये प्रोसीजर जो है बहुत लंबा हो जाता है और आजकल टाइम किसी के पास नहीं होता कि 2-2 घंटे आप अपने हाथ और पैरों को लेकर बैठे रहें। फिंगर्स के जो नकल्स हैं, इन नकल्स को और जो डार्क स्पॉट्स हों, जहाँ पर भी कोई निशान हो और डार्कनेस हो, डेड स्किन हो, तो वहाँ पर अच्छे तरीके से स्क्रब करना है। स्क्रब करने के बाद आपने 5 मिनट छोड़ देना है। जितनी देर आप दूसरे हाथ का मसाज करेंगे तो इस हाथ का जो है ना फिर स्क्रब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस हाथ को साफ करके आपने इसके बाकी टूल्स यूज़ करेंगे हम, इतनी देर में हम दूसरे हाथ का मसाज कर जो है दूसरे हाथ का जो स्क्रब है ना वो छोड़ देंगे। तो ये ग्रेजुअली हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, बिल्कुल भी वेटिंग पे नहीं जाते। एक हाथ किया, दूसरे हाथ को पकड़ लिया, दूसरे हाथ का मसाज किया तो इसमें टूल यूज़ कर लिया, इस तरीके से करते हैं। अच्छा, बार बार आपने क्लाइंट को उठाना नहीं है या ख़ुद भी नहीं उठना है, एक टॉवल आप ले लें गीला और उससे आप बार बार इसको साफ़ कर लें, तो ये एक दफ़ा ही एंड में धो लीजिएगा हाथ को। स्टेप नंबर 8 जो है मास्क लगाना है हाथों पे। ये जो है एक आपका ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, आप इसको चाहें तो आप मास्क लगाएं, अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पूरे मास्क लगाएं और लगाने के बाद जब तक ड्राई नहीं हो जाता आप इसको छोड़ दें। अच्छा, मास्क लगाने के बाद भी आपके पास जो है यही है कि आप ड्राई टॉवल से इसको या तो साफ़ कर लें या तो वॉश कर लें, क्योंकि लास्ट स्टेप होता है, तो अगर एक दफ़ा उठ जाएँ तो इतना मुजायका नहीं है। मास्क जब आप क्लियर कर दें, साफ़ कर दें या वॉश करवा दें, तो उसके बाद जो है आपका टूल एप्लीकेशन आ जाएगा। ये क्यूटिकल स्टिक है, जिसे हम नेल्स के अराउंड जो डेड स्किन होती है उसको हम जो है बहुत एहतियात से आपने इसको उतारना है। इससे इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ब्लेड टाइप का लगा होता है। अगर आपने इसको सही तरीके से यूज़ नहीं किया तो फिर क्या होता है, आपकी स्किन में कट लग जाता है और तकलीफ़ भी हो जाती है। तो इसको बहुत एहतियात से कीजिएगा, इसके लिए ज़रा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो डेड स्किन को उतारना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको डेड स्किन को छोड़ देंगे ना, तो मैनीक्योर की जो खूबसूरती होती है, सफाई होती है, वो नज़र ही नहीं आती है। तो आपको क्यूटिकल स्टिक, अगर आप देख आपको लगता है कि आप इसको यूज़ कर पाएंगे तो आप फिर यूज़ करें, वरना मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप इसको फिर स्किप कर दें।
उसके बाद पुशर स्टिक जो है, इसी के पीछे एक पुशर स्टिक होता है, ये रबर फॉर्म में होता है। तो इससे क्या होता है, जो डेड स्किन को आपने जो है अभी रिमूव किया है, तो उसके जो खुरदरे से पार्ट्स कुछ निकल आते हैं, तो उसको आपने क्या करना है, पुशर स्टिक से जब आप इसको पुश करेंगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल जाके अंदर सेटल हो जाएंगे और स्किन जो है ना स्मूथ, जो नेल्स होती है वो स्मूथ नज़र आएगी। अब क्या हुआ है, हमने स्क्रब किया है, मास्क किया है, मसाज किया है, हाथ में अपनी थोड़ी सी गंदगी थी जो कि नेल्स के अंदर होती है, तो उसको क्लियर करने के लिए सबसे आखिर में हम ऑरेंज स्टिक यूज़ करते हैं, ताकि इसके बाद फिर कोई मिल्क जेल हाथ में या नेल्स के अंदर बिल्कुल भी ना रह जाए। तो सबसे ज़्यादा जो सफाई होती है ना हाथ की, वो ये ऑरेंज स्टिक से होती है। उसके बाद आपने ये बुफर लिया, और बुफर से आपने जो है स्किन को अच्छी तरीके से जो है ना आपने इसको पॉलिश करना है। आप जब इसको रब करेंगे जैसे शू पॉलिश करते हैं, उस तरीके से आपने इसको पॉलिश करना है, और इससे क्या होगा, स्किन में हर स्किन पे ऐसे शाइनिंग आएगी जैसे आपने टॉप कोट लगाया हुआ है। स्टेप नंबर 10, नेल पेंट लगाना। नेल पेंट, अब ये जो क्लाइंट है ना, इनके जो नेल्स है ना बिल्कुल ही आपने देखा था कट हुए हुए थे, तो इन्होंने आर्टिफिशियल नेल्स हमने इनके लगाए हैं। अगर आपको आर्टिफिशियल नेल्स की वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूँगी। नेल पेंट लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो है ना इन्होंने टिप पर क्या किया, थोड़ा सा ग्लिटर, गोल्डन ग्लिटर है वो उनको, इनका दिल चाह रहा था तो गोल्डन कलर ऐड किया। उसके बाद नेल पॉलिश के कलर को सिक्योर करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए, इसके ऊपर क्या लगाया, टॉप कोट। टॉप कोट लगाने से क्या होता है, एक तो एक शाइनिंग आ जाती है, और आपके जो नेल पेंट होता है वो ज़्यादा दिन चल जाता है और सिक्योर हो जाता है, और इसकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है। जब आप इतना मैनीक्योर करें, इतनी देर मेहनत करें और आप नेल पेंट ना लगाएं ना, तो फिर वो मैनीक्योर की जो खूबसूरती होती है बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। तो ये हो गया हमारा सैलून इसका जो बिल्कुल ओरिजिनल तरीका, उस तरीके से मैनीक्योर कैसे होता है। हाथ की कंडीशन आप देखें, अब कितनी खूबसूरत लग रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पेडीक्योर के बारे में होगी, और कोई कमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अच्छी सी वीडियो के साथ, पेडीक्योर की वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।